आई होप आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपने फर्स्ट वीडियो देखी और अब आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं इस तरह का टेम्पलेट आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत से टेम्पलेट पहले भी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, आप मेरे चैनल पर जाके वहाँ विज़िट कर सकते हैं, आपको तमाम टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। लेकिन ये बाकी टेम्पलेट से थोड़ा मुख्तलिफ है, तो इसे आपने पूरी वीडियो को वॉच करना और वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना, फिर आपको समझ नहीं आएगी। लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन के बटन को दबा दें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको कैपकट ऐप की ज़रूरत पड़ेगी, आपने वो प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लेना है, लिंक मैं आपको दे दूंगा। आप इस तरह के टिकटॉक की आईडी पे आ जाएंगे, आपको नीचे यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा कैपकट ट्राई दिस टैम्पलेट पर, यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो टैम्पलेट इन कैपकट पर आपने क्लिक कर देना है, क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस शो हो जाएगा। आपने यूज टैम्पलेट पर क्लिक कर देना है और यहाँ से फर्स्ट में आपने अपने लिरिक्स वाली वीडियो को ऐड कर देना है। तो लिरिक्स वाली वीडियो कैसे आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको टोटल बता दूंगा, ठीक है। तो आपने कोई भी अपनी लिरिक्स वाली वीडियो ऐड कर लेनी है, तो मैं सिंपल से यहाँ ये ऐड कर देता हूँ। ऐड करने के बाद अब सेकंड में हमारे पास पिक्चर है, ऊपर ऑप्शन है फोटोज़ का, तो आपने यहाँ जाना है, यहाँ जाके मैं यहाँ से सिंपल एक पिक्चर ऐड कर देता हूँ, कोई सी भी जैसे ये एक पिक्चर है तो ऐड कर देता हूँ और नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। हमारी वीडियो तो यहाँ जो आपकी वीडियो है वो रेडी हो गई है, लेकिन आपका जो साउंड है, जो आपके लिरिक्स का साउंड है, वो आपको शो नहीं हो रहा होगा, जो टेम्पलेट का साउंड है वो आपको मिल रहा होगा। अगर आप चाहें तो यहाँ आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएगा साउंड का, आपने यहाँ लिरिक्स के साउंड में जाना है और इसका साउंड फुल कर देंगे। फुल करने से आपका जो लिरिक्स का साउंड है वो तो ऐड हो जाएगा, लेकिन जो टेम्पलेट का खुद का साउंड है वो भी इसी के साथ ही रहेगा, उसे आप रिमूव नहीं कर सकते। तो उसे कैसे रिमूव कर सकते हैं मैं उसमें आपको इस वीडियो में टोटल बता दूंगा। पिक्चर को आपने सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ क्रॉप का ऑप्शन है, रिप्लेस करना चाहते हैं रिप्लेस कर सकते हैं। क्रॉप में जाके आप अपने फेस को जो डिटेक्ट करना चाहते हैं, पिक्चर की जो हिस्से को दिखाना चाहते हैं, आपने उसको डिटेक्ट कर लेना और कन्फर्म कर लेना। उसके बाद आपकी जो वीडियो है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी, आपने इसे सिंपली एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट हो जाएगी आपकी वीडियो यहाँ से, तो एक्सट्रैक्ट के बाद आपने अब कैपकट के ऐप में चले जाना है। वहाँ आपको मैं सेटिंग बता देता हूँ कि आपने वहाँ इसका जो साउंड है वो कैसे ऐड करना है, जो लिरिक्स में आ रहा है। कैपकट में आ जाना, न्यू पेज में जाना, न्यू प्रोजेक्ट में जाना। न्यू प्रोजेक्ट में जाके अभी आपने जो वीडियो एक्सट्रैक्ट की है उसे सिलेक्ट कर लेना, सेलेक्ट करने के बाद आपने इसे ऐड कर लेना। इसके साउंड को यहाँ से आपने ऑफ कर देना। ऑफ करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा ऐड ऑडियो, यहाँ आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक्सट्रैक्ट ऑडियो पे आप चले जाएंगे। जो लिरिक्स वाली साउंड है, जो आपने लिरिक्स वाली वीडियो ऐड की थी, उसका साउंड अब आपने ऐड करना है। वीडियो को सिलेक्ट किया, इंपोर्ट साउंड ओनली पे क्लिक करेंगे तो आपके पास वो साउंड आ जाएगा, जो आपने लिरिक्स लगाए हैं उसका साउंड आपको यहाँ मिल जाएगा। तो आपने यहाँ स्क्रॉल करते जाने आगे और यहाँ तक जहाँ तक आपकी वीडियो है वहाँ तक आपने ले आना, साउंड को क्लिक करना, सेपरेट करना। सेपरेट करने के बाकी हिस्से को आपने यहाँ से डिलीट कर देना, तो लास्ट में वाटर मार्क होगा उसे भी सिलेक्ट करने के बाद डिलीट कर देना। आपने अपनी वीडियो के मुताबिक इसके जो साउंड है उसे यहाँ सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब जो आपके पास लिरिक्स हैं उसका साउंड और ओरिजिनल साउंड सेम हो गया, इसमें अब टेम्पलेट का कोई साउंड वगैरह ऐड नहीं हुआ, ठीक है। अब एरो के निशान ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ जाके आपने एक्सट्रैक्ट कर लेना, आपकी वीडियो तैयार हो गई है, ठीक है। अब आप इस तरह की लिरिक्स वाली वीडियो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। अब उन्हें प्ले स्टोर से जाके यहाँ सर्च करके यहाँ से भी आपको बहुत सी मिल जाएंगी, और अगर आप चाहते हैं कि पिंटरेस्ट से, तो पिंटरेस्ट से भी आपको बहुत सी मिल जाएंगी। तो जो आप चाहते हैं, जहाँ भी चाहते हैं, आपने वहाँ सर्च करना है। तरीक़ेकार मैं बता देता हूँ किस तरह आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। पिंटरेस्ट का मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है, आप लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके देख सकते हैं। और यूट्यूब का मैं आपको बता देता हूँ कि आपने यहाँ क्या लिखना है। अगर ट्रेंडिंग साउंड का यूज़ करना चाहते हैं, जो लिरिक्स वगैरह यूज़ हो रहे होंगे, आपने वो लिरिक्स पहले यहाँ लिख देने। अदरवाइज़ अगर आप कोई भी लिरिक्स लिखना चाहते हैं अपने पसंद का कोई, तो क्या लिखना है, आपने अपने सर्च बार में जाना है और उसके बाद आपने उर्दू लिरिक्स ब्लैक स्क्रीन इस तरीके से आपने लिख देना है। स्टेटस उसमें आपको मिल जाएगा, आपने यहाँ क्लिक करना है और यहाँ आपको बहुत सारे लिरिक्स मिल जाएंगे, सॉन्ग मिल जाएंगे जिनके लिरिक्स आपके पास हैं, और
आपने उसे यूज़ कर लेना है फर्स्ट में या सेकंड में जो भी है, ठीक है। तो इसे डाउनलोड कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। जैसे फर्स्ट किया कि हम ये फर्स्ट वाला जो है इसे हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपको नीचे ऑप्शन मिल रहे होंगे शेयर का, तो आपने शेयर में जाना है। शेयर में जाके यहाँ से आपने कॉपी लिंक कर लेना है, कॉपी लिंक हो गया। उसके बाद आपने सिंपल बताता हूँ, किसी ऐप का नहीं बताता आपको, गूगल का बता देता हूँ। आप गूगल से जाके आपने डाउनलोड करना है, गूगल में जाना है, गूगल में जाके यहाँ आपने सर्च करना है यूट्यूब वीडियो डाउनलोडर, ठीक है, वीडियो डाउनलोडर। इस तरीके से आपको मिल जाएगा फर्स्ट वाले जो वेबसाइट होगी, इसे आप क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस शो हो जाएगा, पेस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पेस्ट कर देना आपने जो कॉपी किया था लिंक। और उसके बाद ये कुछ प्रोसेसिंग के बाद आपने इसे ब्लॉक ही रहने देते हैं, इस नोटिफिकेशन को। डाउनलोड का ऑप्शन है, आपने डाउनलोड पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा, आपने इसे रहने देना और आपको आपके ऊपर ही जो वीडियो है वो डाउनलोड हो जाएगी और इधर से आपने ओपन कर लेनी, आपकी वीडियो रेडी हो गई है, ठीक है। जिसे आपने यूज़ करना है सिंपल तरीके है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।